जय माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये टाइम है सुबह का 9:30 बज रहे हैं। अब भाभी जी का मट्ठा हमारे मथ गया और भाभी जी निकाल रही मक्खन। और यहाँ मतलब मनु को भी आप लोगों ने देखा कि आज मनु को नाश्ते में समोसा मिल गए हैं, तो मनु बहुत ही खुश हैं। अब बहू बीन रही हैं चावल और यहाँ पर मनु के मनपसंद बनने जा रही आज पनीर, क्योंकि 2 दिन से मनु बहुत परेशान है पनीर के लिए। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से बगिया में। तो हम आ गए हैं भगवान जी के बगिया में। अब पूरा यहाँ का आप लोगों को अभी दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले किचन की व्यवस्था देखते हैं कि किचन में सब बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं। कोई पानी ला रहा है तो कोई पनीर ला रहा है, लेकिन हमारी बनाने की इच्छा नहीं है, कुछ भी मन नहीं करता है। आप लोगों से बताएं कि इस समय काफ़ी हम भी अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ निकल आते हैं तो आप लोगों से भी बातें कर लेते हैं बगिया में, और घर के अंदर जाओ ना तो और एकदम से मन नहीं लगता है। लेकिन भगवान जी की बगिया में तो स्वर्ग है। यहाँ निकल आते हैं ना तो मन इतना अच्छा हो जाता है और लगता है कि यहीं पूरी दोपहर बैठे रहें, घर के अंदर ना जाएं। लेकिन बच्चे हमको परेशान कर लिए हैं, कह रहे थे बुआ जी चलिए हमारे लिए पनीर बना दीजिए। और मनु को भी बताएं कि मनु भी 2-3 दिन से परेशान थे कि मामी हमको पनीर खाना है, और हमको आवाज़ भी लगा रहे हैं, कह रहे बुआ आइए, आप क्या कर रही हैं, जल्दी हमारी पनीर बनाइए। और टाइम वही 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी धूप है तो चल रहे हैं। ये देखिए हमारी नई किचन है, यहीं भगवान जी के आश्रम में 2-3 कमरे अभी राम जी भैया ने यहाँ पे बनवाया था। भगवान जी का आश्रम ही है ये, तो आप लोगों को दिखा। और काफ़ी ऊंचाई है तो हमको यहाँ पे चढ़ के आना पड़ा, आप लोगों को दिखाएं। और यहाँ पर ये किचन में ना कुछ भी अभी ज़्यादा सामान नहीं, आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सी किचन है। और इसीलिए ना हमको परेशानी हो रही कि हम यहाँ कैसे क्या बनाएं। तो बच्चों ने सारी व्यवस्था यहाँ पर हमारी कर दिया है, पानी भी ला करके रख दिए और भगोना भी चढ़ा दिए हैं, कड़ुआ तेल भी डाल दिए हैं, और सभी लोग बैठे हैं कि कब पनीर बने और हम लोग खाएं। तो आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी समय से ये 9वां दिन है और सभी वही भरता रोटी खा खा कर सब परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठ करके नाश्ता भी कर रहे हैं और आप लोगों को चलिए बना लेते हैं पनीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़ुआ तेल प्याज हमने डाल दिया, तो चलिए बना लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो अब हम बना लेते हैं पनीर और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये टमाटर भी काट रहे हैं। और इसके बाद अब चल रहे हैं पनीर बनाने के बाद आप लोगों को पूरा भगवान जी के बगिया का भी नज़ारा दिखा देते हैं। कितने अच्छे नींबू करौंदा का पेड़, भगवान जी के दर्शन करा देते हैं, क्योंकि काफ़ी सब बाहर नहा रहे हैं, इतना शोर शराबा हो रहा है, तो हो सकता है हम आवाज़ बोलेंगे नहीं वहाँ पर और म्यूजिक ही आप लोगों को डाल देंगे, क्योंकि बहुत ही शोर शराबा है। तो चलिए इसके बाद फिर भाभी के साथ कुछ ना कुछ हेल्प कर लेते हैं, क्योंकि भाभी अंदर रोटियाँ बना रही होंगी तो भाभी के साथ भी हमको अभी हेल्प करना है, क्योंकि अकेले वो भी परेशान हो जाती हैं और बहू अभी चूल्हे में रोटी नहीं बना पाती। और इतनी गर्मी है कि आप लोग देख सकते हैं कितना पसीना पसीना सा हो रहा है। तो चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं बगिया में, और घूम घूम के सब रैबिट को भी दिखा देते कैसे सारे जानवर नहा रहे हैं। तो आगे आप लोगों से मिलते हैं।
अब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हम मनु के लिए ले करके आ गए हैं खाना, क्योंकि जब तक हम इनको खाना नहीं खिलाएंगे तब तक ये खाना नहीं खाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोई पोई रोटियाँ और पूड़ी भी हम रखे हैं, मट्ठा, थोड़ी सी पनीर है, और खिला देते हैं मनु को खाना। तो मनु कह रहे हैं कि हमारे पसंद की पनीर आप नहीं बनाए हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद अब खाना खिलाने के बाद थोड़ी आराम करेंगे और इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब शाम के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग निकाल रहे हैं कैथा, भाभी के मायके से आए हुए थे। तो भाभी भी मतलब इस समय इतनी बिजी चल रही थी कि भाभी को दिमाग से हट गया था कि कैथा रखे हुए हैं, सॉरी। तो हमको भी कभी कभी रिकॉर्डिंग करते, वीडियो एडिटिंग करते समय समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल जाते हैं। इस समय हम खुद ही बहुत परेशान चल रहे हैं, आप लोगों से बताएं। तो शाम का समय है, बच्चे भी इतना शोर शराबा कर रहे हैं बाहर की बता नहीं सकते हैं। तो चलिए, भाभी कह रही बहू से कि चाय बना दो, तो अब बहू जा रही है चाय बनाने। तो आप लोग भी आइए, 5:30 बजे की चाय पीते हैं। तो यहाँ पर बहू बनाने लगी है चाय, और चाय पीने के बाद अब चलते हैं आप लोगों से पीछे आंगन में, करते हैं बातें। तो हम आ गए हैं पीछे के आंगन में और बहुत ही शांति है, आप लोगों से बताएं। और ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ पे चल रही है, और दोपहर में ना इतनी गर्मी रहती है कि बता नहीं सकते हैं। और यहाँ पर ना इतनी मतलब पीछे के आंगन में आ जाए तो इतनी शांति मिलती है, और इस समय ना हमको भी किसी से बात करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। और आप लोगों से बताएं कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांत रहें और आंख बंद करके चुपचाप लेटे रहें, पता नहीं क्यों। इस समय हो सकता है कि चारों तरफ की परेशानी भी सुनते हैं, इसलिए ऐसा हमको हो रहा है। तो शाम का समय है, तो हमने कहा कि पौधों में पानी भी दे देते हैं और आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। और भाभी भी लगी हुई हैं, क्योंकि हो सकता है कल हम लोगों को सुबह ही निकलना पड़े अतर्रा के लिए। और बहू बनाने लगी थी खाना, और हमने सोचा चलिए आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। तो यहाँ भी ना अटारी में भाभी के यहाँ भूसा रखा हुआ है, तो जब हवा चलती है तो पूरा भूसा आंगन में आ जाता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने पौधे हैं, तो सुबह शाम पानी दे दो ना, तो मतलब इतनी हवा और धूप रहती है तो पौधों को पानी की तो बहुत आवश्यकता पड़ती है। और आप लोगों से बताएं कि छोटी छोटी तुलसी माता भी यहाँ पर निकली हुई हैं, भाभी ने बो दिया था। और यहाँ पर भाभी लगाई हुई है टमाटर, और कितने अच्छे मतलब लगे हुए हैं, फूल वगैरह भी हैं, लेकिन पानी जब नहीं पाते हैं ना तो सूख जाते हैं। तो जिस दिन से हम आए हैं तो वैसे भी हमको पौधों में पानी देना बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाभी कितना भी मना करेंगी कि परेशान मत हो, रहने दो, डलवा देंगे, लेकिन हम अपने आप ही पाइप ले करके सुबह शाम अपना पानी देते रहते हैं। तो चलिए, यहीं पर हम वीडियो का एंड भी कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।